हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशु। स्वागत है आपका आरोहण में। सो इन द सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टेक्नोलॉजीज के बारे में। प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है रिगार्डिंग द चार्ज, करेंट एंड वोल्टेजेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस, आइए देखते हैं इसको। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं अगेन फ्रॉम द कंडक्टर पार्ट। ये मैंने एक कंडक्टर बनाया हुआ है, बस सीधे वन कंडक्टर। नाउ इस कंडक्टर I can attach with one battery. Attach this with a battery is here. जैसा कि हमको मालूम है कंडक्टर्स में हमारे पास क्या पार्ट होंगे। कंडक्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल इज मेड ऑफ डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ एटम्स एंड एटम्स हैविंग ए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सो कंडक्टर में क्या होगा, यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होंगे। अब यहाँ यहाँ पर देखें तो जो कंडक्टर है उसे इसको हम देखते हैं कंडक्टर। ये मिसाल दी सम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स वी कैन से। यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस इज द अदर, आई कैन राइट दिस इज द अदर मटेरियल्स, अदर एटम्स एंड मोल। एंड वी हैव ए, आई कैन रिप्रेजेंट वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमने प्रेस वीडियो पर डिस्कस किया हुआ है कि जो भी कंडक्टर होगा उसमें मोमेंट किसका होगा, वहां पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, और मोस्ट आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर मूवमेंट करेगा। कैसे मूवमेंट करेगा, जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी अटैच की हुई है, ये हमने बैटरी यहाँ पर टेस्ट की हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ बस इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ बस ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ बस हमको मालूम है नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर कौन सा फोर्सेस आएगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस आएगा। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया हमारा, यहाँ बस इस तरीके से फ्लो करेगा। और यहाँ बस क्या होगा हमारा नेगेटिव और निगेटिव क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होगा, कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब हमने इसको बैटरी से अटैच कर दिया यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो हमारे अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। क्या करेगा उसको, ये अपोज करेगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फ्रीली यहाँ पर मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम अदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कंडक्टर में ही जो उसकी जो मटेरियल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का ये अपोज करेगा। तो कंडक्टर या वायर के उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का अपोज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर बोला इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, सेम हम बोल सकते हैं करंट के रिस्पेक्ट में। ये करंट के बारे में हमको क्या मालूम है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट का मतलब फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो एक रेजिस्टिव बिहेवियर आ गया है इस मटेरियल का,
रेजिस्टिव बिहेवियर आ गया मटेरियल का, जो इस करंट को फ्लो में क्या कर रहा है उसको अपोज कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सो वी कैन से द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वी कैन से द अपोजिशन ऑफर्ड इन ए क्लोज सर्किट टू ए करंट दैट इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? ए अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए क्लोज सर्किट टू फ्लो ए करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का जो टर्म है रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सिंबल बाय सिंबल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय is given by R. We can represent its metric unit. We can represent its metric unit. It is given as ohm. It is given as ohms. And its abbreviation will be given as like this. Ye हमको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो इन चीजों के बारे में ही इसी से हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ना तो हम सिंबल यूज करेंगे रेजिस्टेंस का आर, इसका मैट्रिक यूनिट जो होता है ओम हम लिखते हैं ओ एच एम ओम, और हम लिखते हैं एब्रिविएशन इज गिवन बाय लाइक दिस सिंबल इज गिवन। तो हम इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं ओम्स। तो जो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है यहाँ पास हम ओम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक बार किलो ओम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द दिस इज अबाउट द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ओके सो रेजिस्टेंसेस क्या है? रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। ओके दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंसेस। अब देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब जिस भी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर की जितनी भी लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनली क्या होगा उसका रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस। सेकंड लॉ, व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ वी कैन से द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज इट्स सेकंड लॉ इज देयर। मतलब जिस भी हम बात कर रहे हैं, जिस भी कंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जो भी एरिया होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड हम डिस्कस कर सकते हैं रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ व्हिच द कंडक्टर इज मेड। इज डिपेंड अपॉन इज डिपेंड अपॉन depend upon the material depend upon the material of which it is made of which it is made। मतलब जिस भी material से मिलके ये conductor बना हुआ है तो उस material पे भी क्या करता है ये resistance क्या करता है उस पर depend करता है। ठीक है, जब भी हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ही जनरल टर्म से हम बात करें तो जो कंडक्टर हमारा होगा जो हम डिस्कस करेंगे मोस्टली या तो वो बना होगा कॉपर से या वो बना होगा एल्यूमिनियम से। ठीक है, और भी डिफरेंट मटेरियल से भी हम बनाते हैं लेकिन मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो कॉपर और एल्यूमिनियम से। तो मटेरियल कहने का मतलब यही कि किस मटेरियल से यूज करके हम बना रहे हैं कंडक्टर। ठीक है, फोर्थ जो इसको लॉ आएगा द फोर्थ लॉ the resistance is that is also depend upon its temperature is depend upon its temperature its temperature। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा उसका क्या इफेक्ट होगा इस कंडक्टर के रेजिस्टेंसेस पर। ठीक है, तो ये जो हमारे ये फोर जो बेसिक लॉज है
ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी कि कैसे ये इसका जो लॉ है रेजिस्टेंस का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एक सर्किट के रिस्पेक्ट। ठीक है, सो यहाँ बस जैसे हमें डिफाइन किया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो वी कैन राइट the resistance is proportional to length and inversely proportional to its cross sectional area. Is there? यहीं पर हम इसको लिख सकते हैं R equal to rho L by A. This is the fundamental equation of resistance. This is the fundamental equation of resistances. R equal to rho L by A. One by one देखते हैं चीज क्या है. What is rho is here? What is rho? What is rho is there? Rho को हम लिख सकते हैं, this is called the constant of proportionality. So rho is called the constant of proportionality or resistivity of a conductor wire. In general हम इसको क्या बोलते हैं? Resistivity बोलते हैं. इसको representation जो ये rho है, ये rho को हम कैसे लिख सकते हैं? R H O. This is called rho. ये इसका abbreviation. Rho R H O. This is called rho. So rho is called the resistivity of the conductor of a material that depends upon the nature of the material also. That depends upon the nature of the materials. Next term कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर? L दिया है हमको, ये L क्या चीज है? L is called the length. L is called the length of conductor. Length of the conductor. जैसे मान लीजिए कि हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो हमारा कंडक्टर है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इसका लेंथ क्या हो जाएगा? दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। हम ये शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। दिस इज क्या ए इज व्हाट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। तो एरिया क्या रहेगा इसका? जैसे मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो एरिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? स्मॉल ए से। तो एरिया मतलब क्या होगा इसका? व्हाट इज लेंथ and what it is width. So length into width, this gives the area of the conductor. This is given by A is the length. ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं length. Length हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर से मीटर से, एरिया हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर से। हम यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ द लेंथ एंड द मीटर। सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द रो एल वाई ए। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशंस में या किसी भी आपके इंटरव्यू पार्ट में या वाइवा पार्ट में कि कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, जस्ट राइट आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी हम देख सकते हैं यहां पर से, रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं the resistances offered by a 1 meter length of a conductor whose area of cross section is in a square meter is called the resistivity. Kya hota hai resistivity? It is the resistances offered by a 1 meter length of a conductor having an area of cross section is a square meter is called the resistivity. जैसा हम समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने रिकंस्ट्रक्चर ड्रॉइंग किया है, यहाँ पर एवरी साइड ऑफ इट दिस क्यूब इज 1 मीटर इज देयर, एंड सो हियर वी कैन से दैट इफ वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टिविटी फॉर दिस क्यूब, हम बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर इसके अपोजिट फेस के बारे में बात करें, इसको मैंने हैश किया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं करंट आई यहाँ पर जा रहा है। यदि हम इस अपोजिट फेसेस के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ विल बी 1 मीटर। What is this area cross section? This become the 1 meter square is there. तो जो हमारा एक बेसिक इक्वेशन था रेजिस्टेंसेस का, तो हमने क्या लिखा था रेजिस्टेंस का इक्वेशन वापस से? हमने लिखा था रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यही पर से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से? आर इंटू ए बाय एल इज देयर। व्हाट इज द रो? रो विल बी गिवन एज आर इंटू ए बाय एल इज देयर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि the opposition offered, यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पर स्पोर्ट कर दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? मुझे मिल जाएगा यहाँ पर से रो इक्वल टू आर, हम कह सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। तो
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि for the position offered by the opposite faces of the one cube meter is called the resistivity. तो इस क्यूब से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In general we can say it is the property of any material which opposes the flow of the electrons. Okay, so resistivity we can define. Resistivity को हम also इसकी जो unit है वो बहुत important है, कई बार examinations में पूछता है इसके unit के बारे में. तो resistivity है इसका equation हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, is given as R into A by L is there. R के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने क्या लिखा हुआ है ओ. एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कैसे नोट किए हैं, मीटर स्क्वायर. लेंथ किसने नोट किए हैं यहाँ पर, मीटर. यहाँ पर देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन नोट किए हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ किसमें है हमारा मीटर में. तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो जाएगी यूनिट रेजिस्टिविटी की, हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर. दिस बिकम द ओम मीटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द रेजिस्टिविटी यूनिट हो जाएगा गिवन इन द ओम मीटर. ओके, so this is very important about the resistivity part. Okay, so what is the resistivity, the position offered, the position offered to the in the circuit by a lamp of the conductor which have a 1 meter and the area of its cross section is 1 meter square is called the resistivity. Is there what is the unit of resistivity, unit of resistivity is ohm meter. ye hamare liye ye important cheez hai isko hame dhyan rakhna hai. जो हमारे सिलेबस के पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमको इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, रेजिस्टिविटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, R into A by L व्हाट इज यूनिट ओम मीटर. ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, तो इसी में एक और काम आता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है. Specific resistance, we can define the resistances offered to a flowing electron in a particular material which have a specific dimensions. किसी भी कंडक्टर का यदि हमारे पास एक स्पेसिफाइड डायमेंशंस है, तो उस मटेरियल के द्वारा जो भी ऑपोजिशन ऑफर्ड होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस. क्लियर, दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द कंडक्टर्स. जैसे मैं डिफाइन करता हूं रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंसेस क्या है, रेजिस्टेंस वो है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को अपोज करता है या करंट को फ्लो होने को अपोज करता है. सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए सपोर्ट करेगा. इट प्रोवाइड ए ईज पाथ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो वी कैन से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज नथिंग बट इसका जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबल हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जी, कैपिटल जी यूज करके टू रिप्रेजेंट द कंडक्टेंस. तो जो कंडक्टेंस होगा ये क्या होगा हमारा, ये इनवर्स होगा किसका, रेजिस्टेंस का. इसका इनवर्स होगा रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए अपोज करता है, और जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए सपोर्ट करता है. सो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमको क्या मालूम है, रेजिस्टेंस हमको मालूम है गिवन इज द रो एंड बाय ए इज देयर. सो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी कैन राइट द कंडक्टेंस विल बी देयर, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए अपॉन रो इनटू एल इज देयर. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंडक्टेंस, वी कैन राइट जी इक्वल टू ए अपॉन रो इनटू एल. इसी को हम लोग और कह सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट जी इक्वल टू सिग्मा into A by L. This is called also G equal to sigma by A. So also we can use G equal to A by rho L, either we can use G equal to sigma into A by L. What is sigma is there? This is called the conductivity. Okay, so conductance हमने define किया, it is the inverse of the resistances. This is defined as the conductivity A by L, और हम इसको बोल सकते हैं A by rho into rho. अब यहाँ पर यदि हमें इसकी unit निकालनी होगी, what we can find for the conductance will be given as, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, meter square. Rho का unit हमने क्या निकाला हुआ था, what is the unit of rho, this is given as the ohm meter. ओम मीटर, उसके यूनिट क्या हो जाएगा, दिस इज गिवन एज द मीटर. ओके, सो वी कैन डिफाइन
10 meter square ohm meter radio meter, so new will becomes 1 upon ohm test on the absolute inverse of mho. So what is the unit of conductance that is given in mho meter? Either or isko also ho sakte hain, unit which is given in siemens. Also the unit of the conductance is mho at the siemens. Some numbers which we can do sakte hain in our examinations mein siemens in terms mein equations mein form hota hai, numerical mein form hota hai, ek baar mho ke terms mein form hota hai. दोनों इनको ध्यान में रखना है कि कंडक्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी यूनिट को मोर से अगर सीमेंट से यहाँ पर एक और टर्म हमारा यहाँ पर जो आ रहा है कंडक्टिविटी जो टर्म आ रहा है यहाँ पर तो कंडक्टिविटी इज गिवन हियर इज इनवर्स ऑफ द व्हाट रेजिस्टिविटी हम यहाँ से देख सकते हैं वी कैन कोरिलेट सो व्हाट इज द कंडक्टिविटी सो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट इज द रिवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज देयर सो रेजिस्टिविटी क्या था इट इज द अगेन द प्रॉपर्टी व्हिच अपोजिंग द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सो Similarly, here the conductivity will provide the east path of the flow of the electrons. Okay, so conductivity we can define. Also, conductivity equations we can find. So we can define the conductivity is equal to conductance into length of the conductor by area of cross sections. So we can find its units. What is the unit of conductance? Simple formula. This is mho. Length is given in meter. Area of section is given in meter square. So what becomes? It becomes mho per meter. So this is the unit of conductivity. Also we can write the unit of conductivity is mho also will be given as the siemens. So we can write this is given in siemens by meter. So the conductivity units also we can say Siemens per meter is there. Okay. So either we can define mho per meter, other we can define Siemens per meter is there. Okay, so this is about the conductivity. Okay, so now in this videos we are seeing about the resistances, resistivity, specific resistance, conductance, and conductivities. सारे ही टर्म्स का हमने उनका फॉर्मेशन देखा उनका बेसिक इक्वेशन देखा उनकी यूनिट देखी This is about the basic part of the resistances. Okay. अब next part जो आएगा वो आएगा classification of resistances. Okay. तो now next part में next videos में हम देखेंगे the classification of the resistances. One more thing. Resistances जो एक element है. Okay. Resistance element को जब हम किसी circuit में insert करते हैं circuit के अंदर बात करें बहुत simple है हम draw करते हैं circuit में. मैंने क्या किया ये रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने क्या कर दिया एक बैटरी है कि ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस डू वी नो व्हाई द रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक एज एग्जैक्ट क्यों हम रेजिस्टेंसेस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक एग्जैक्ट पैटर्न में शो करते हैं Okay, so now we'll look about this in our next video, same details. Okay, so for these videos, this is about the basic part of the resistances. Thank you very much.